जोर बोलो हल्ला पाकिस्तान पर हमला करो, हमला करो पाकिस्तान पर, हमला करो तो फिर दिख रहा है क्या, दो एक दो मुस्लिम है तो मेरे को बताओ भाई यहाँ कोई होगा फलाहे नहीं, हम लोग ऐसा हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो अगर आप गलत का विरोध नहीं कर रहे हो तो आप गलत के साथ हो, जो विरोध नहीं कर रहा वो साथ है। अब हम लोग हिंदू समाज की सुरक्षा का काम कर रहे हैं, वो संगठन यहाँ पे हैं, हर संगठन से लोग हैं, तो मुस्लिम संगठनों के लोग क्यों नहीं है या ईसाई संगठनों के क्यों नहीं है? चर्च उन्होंने यहाँ भी बड़े बड़े बना रखे हैं, संगठन उनके यहाँ भी बड़े बड़े चलते हैं, तो वो क्यों नहीं आ रहे विरोध में? तो ये आतंकवादी हमले हमारे विरोध के बिना नहीं रुकेंगे, संगठित विरोध कीजिए। ये ज्ञापन हो गया हमारा, ज्ञापन देंगे, पुतला चलाएंगे, यहाँ प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इसके बाद हम घर जाते हैं तो अपने आस पड़ोस में ये चर्चा कीजिए। कैसे हो रहा है, अपन वहाँ जाके चलो सीमा पे बंदूकें लेके नहीं खड़े हो सकते, आतंकवादियों से नहीं लड़ सकते, तो यहाँ पे चर्चा तो कर सकते हैं, लोगों को जागृत कर सकते हैं। हम सब के सब यहाँ पधारे तो मैं यही समझता हूँ कि सब बौद्धिक बुद्धिजन बंधु हैं, तो 10 लोगों को चर्चा करके इस विषय के बारे में बता तो सकते हैं ना कि वहाँ पे इस तरह से लोगों को मारा गया। तीर्थ यात्रा है तो हमारे यहाँ पे चलती है, यहाँ भी शुरू हो जाएंगे हत्याएं, यहाँ हमारे यहाँ भी होती है। कल परसों मेड़ता में बस ठीक है, कोई किसी की हत्या नहीं हुई, बाकी उनका तरीका तो वही था, वो यश गया, यश को मारा गया, उसको टुकड़े किए गए, एक को तो कर दिया गया था, संगठन दूसरे लोग बीच में आ गए, नहीं पूरे परिवार को मारा जा सकता था, कन्हैयालाल को मारा गया था। तो ये आतंकवादी हैं और क्या, इस विषय में जो आज हम ज्ञापन देंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। गोली मारो सालों को, चादर फादर निकट न आवे, जबरदस्ती की लाठ चलावे, चादर फादर निकट न आवे, जबरदस्ती नाम सुनावे, चादर फादर निकट न आवे, जबरदस्ती नाम सुनावे, चादर फादर निकट न आवे, जबरदस्ती नाम सुनावे, और